दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में यह त्यौहार सुख समृद्धि और घर में धन धान्य वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसा माना जाता है इस समय वातावरण में अद्भुत शक्तियां बिखरी होती हैं। खासकर इस समय माता लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही होती हैं और ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी को इस त्यौहार में प्रसन्न करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर आ जाती है। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर हो गया तो समझो धन धान्य सुख समृद्धि भर भर कर आपके पास हो जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी अगर आपके घर पर आती है तो उससे पहले ही हमें कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ संकेत आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दिवाली के समय अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दिख जाए, भले ही वह सपने में दिखे या सच में आपको दिखे, तो समझो संकेत है कि माता लक्ष्मी आपकी पूजा पाठ आपकी भक्ति से खुश हो चुकी है और साक्षात आपके घर पर प्रवेश करने वाली हैं। तो दोस्तों, क्या हैं वे संकेत, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में केसरिया रंग और गाय का बड़ा ही महत्व है। गाय को हम अपनी माँ के समान मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी केसरिया रंग की गाय देखी है? शायद आप नहीं जानते होंगे कि शकुन शास्त्र में केसरिया गाय देवता का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें साक्षात देवता ही माना जाता है और यह बहुत ही शुभ होती हैं। और दिवाली में अगर आपको ये दिख जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी आपके सामने खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस से दिवाली तक अगर इन 3 दिनों में कभी भी आपको केसरिया रंग की गाय दिखाई देती है, भले ही वह आपको सच में दिखाई दे या अगर केसरिया रंग के गाय का सपना आ जाए, तो समझो साक्षात आपके भाग्य खुलने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके सामने खड़ी हैं और अब आपके ज़िंदगी में वे प्रवेश करने वाली हैं और ऐसे में धन धान्य से संबंधित आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और पैसों का आना आपके ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में बिल्ली का दिखना बहुत शुभ नहीं समझा जाता है, मगर दिवाली के दिन बिल्ली अगर आपको दिख जाए तो समझो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली या धनतेरस में कभी भी आपको अपने द्वार पर बिल्ली दिख जाए या घर के अंदर आए तो उसे मारना पीटना मत, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी चले जाएगी, आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। इस दिन अगर घर में आपको बिल्ली दिखाई दे, अगर आपके घर के अंदर आ जाए या द्वार के पास से होकर जाए, तो हाथ जोड़ ले, क्योंकि दोस्तों इस दिन साक्षात बिल्ली का आना माँ लक्ष्मी के आने के समान माना जाता है। वहीं दोस्तों, दिवाली की रात को अगर आपके घर में कहीं छुछंदर दिख जाए तो खुश हो जाइए, क्योंकि छुछंदर साक्षात समझ लो कि कुबेर देव आपके घर आ गए हैं। इसे देखते ही आप तुरंत अपने हाथ जोड़ ले। हाँ, इन्हें भगाने की गलती आप भूल से भी ना करें, अन्यथा आप भारी विपदा में फंस जाएंगे। इस दिन छछुंदर दिखते ही आपको हाथ जोड़ना है और धन्यवाद देना है कि वे आपके घर पर पधारे, क्योंकि दीपावली और धनतेरस पर छछुंदर का दिखना साक्षात धन के देव कुबेर देव का आपके घर आना माना जाता है। और अगर वे आपके घर आ गए तो पैसों की कमी तो आपको कभी होगी नहीं, साल भर आप पैसों से भरा जिंदगी जिएंगे, धन धान्य सुख संपत्ति से भरा जिंदगी जिएंगे। वहीं दोस्तों, अगर दिवाली पर आपको उल्लू दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर यह सपने में आपको दिखे दिवाली वाले दिन या फिर सच में अगर आप कहीं उल्लू देख ले, तो समझो कि माता लक्ष्मी ने यह संकेत दिया है कि वे आपके घर पधार चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। ऐसे में धनतेरस और दिवाली पर उल्लू देखना साक्षात
माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई हैं यह संकेत समझा जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसके साथ ही दोस्तों वैसे तो छिपकली घर में अक्सर ही दिख जाती है, अगर यह धनतेरस या दीपावली की रात को घर में कहीं दिख जाए तो यह काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। दीपावली पर छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों अगर दीपावली पर छिपकली आपको दिख जाए, खासकर उत्तर दिशा की तरफ अगर छिपकली हो, तो समझो साक्षात माँ लक्ष्मी खुश हो चुकी हैं और धन आपके घर पर अब बढ़ चढ़ कर आने वाला है। दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने वाली है।